नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो हम तो पूछेंगे। आज जो मसला हम उठाने जा रहे हैं उसको देखकर आप कहेंगे कि हम तो पूछेंगे, ये ऐसा नाम है इस कार्यक्रम का जो इस कार्यक्रम के लिए बिल्कुल ठीक विषय आज हमने उठाया है। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में निर्भया कांड हुआ। पूरे देश में इस कांड को लेकर आक्रोश साफ नजर आया, लोग सड़कों पर उतरे, सरकार को रेप केस में नया कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस भयावह कांड के बाद भी हमारी सरकारें महिलाओं के खिलाफ इस घिनौने अपराध को लेकर संवेदनशील हुई हैं? बिहार के मोतिहारी जिले में एक बेटी के साथ निर्भया जैसी बर्बरता हुई। ये बेटी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। हमारे रिपोर्टर इस वक्त वहां मौजूद हैं। आरोप है कि कुछ लोगों ने इस लड़की के साथ गैंगरेप किया, बुरी तरह जख्मी किया, लेकिन पुलिस ने न सिर्फ मेडिकल कराने में देर की बल्कि पुख्ता जांच के बिना ही ये पुलिस, ये प्रशासन लड़की को गलत साबित करने में जुटा हुआ है। IBN7 ने जब इस खबर को दिखाया तो देश भर में बिहार पुलिस की आलोचना शुरू हो गई। महिला आयोग ने मोतिहारी अपनी टीम भेजने का भी ऐलान किया और वारदात के 10वें दिन खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी आखिरकार पकड़ा। गृह मंत्रालय ने इस मामले में IBN7 पर ये रिपोर्ट दिखाने के बाद नीतीश सरकार से पूछा है कि यहां क्या हुआ है। इस मामले ने नीतीश के सुशासन पर कई सवाल उठाए हैं, करेंगे उन सवालों पर चर्चा, पर पहले देखिए हुआ क्या। हम तो पूछेंगे में अगले एक घंटे बड़ी बहस, बिहार की निर्भया को इंसाफ कब? वो हमारे मुंह को दाब दिया, उसके बाद हमको पकड़ के बलात्कार करने लगा। सर न्याय नहीं मिलेगा, एकरा पास अपनी माँ बेटी मतारी जहर खा के सब सामने सारा लोगों को मर जाएंगे। बिहार की एक बेटी की आवाज, इस बेटी की माँ की आवाज किसी ने नहीं सुनी। न बिहार में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार की पुलिस ने, न प्रशासन ने, न खुद सरकार ने, लेकिन IBN7 ने इस बेटी के लिए इंसाफ की मुहिम चलाई और सरकार को अपने गिरेबा में झांकने के लिए मजबूर कर दिया। बिहार के मोतिहारी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। प्राइमरी मेडिकल में बलात्कार का नामो निशान तक नहीं मिलता है, परिवार झूठ बोल रहा है, मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी वेजाइनल इंजरी की कोई चर्चा नहीं है, किसी ने लकड़ी से इनके प्राइवेट पार्ट पे मारा। बड़ी खबर मैं बता दूं दर्शकों को, समीउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुख्य आरोपी इस मामले का, मोतिहारी रेप कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह मंत्रालय ने मोतिहारी पर रिपोर्ट मांगी है, IBN7 की खबर का हम दिखाते रहेंगे, ये खबर दिखाते रहेंगे, सच सामने लाते रहेंगे। देश के लिए ये शर्मनाक और दहला देने वाली खबर बिहार के मोतिहारी जिले की है। परिवार का आरोप है कि इस बेटी के साथ 13 जून को बलात्कार की कोशिश हुई। आरोप के मुताबिक 15 जून को आरोपी लड़के ने अपने परिवार के 3 और लोगों के साथ मिलकर घर से बाहर खींचकर गैंगरेप किया। पीड़ित लड़की का आरोप है कि न सिर्फ उसके साथ गैंगरेप किया गया बल्कि दरिंदों ने उसके निजी अंग में बंदूक और लकड़ी से वार किया। दरिंदे उसे मरा हुआ समझकर छोड़ गए, लेकिन इसके बाद नीतीश की तेज तर्रार पुलिस ने जो किया वो कानून को शर्मिंदा करने वाला था। पुलिस 15 जून को लड़की को अस्पताल ले गई, FIR दर्ज की। आरोप है कि नीतीश की पुलिस ने जानबूझकर FIR में लड़की का पूरा बयान दर्ज नहीं किया। पुलिस FIR में सिर्फ रेप की कोशिश का मामला दर्ज कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। आरोप है कि पुलिस वालों ने आरोपियों से पैसे खाए और इस केस का कत्ल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आरोप के मुताबिक 15 तारीख को स्थानीय अस्पताल में पीड़िता को भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टर्स ने पाया कि पीड़ित के निजी अंग में सूजन है, इसके बावजूद पुलिस ने रेप की पुष्टि के लिए उसका मेडिकल नहीं कराया। आरोप के मुताबिक पुलिस ने लड़की को घर भेज दिया। पीड़ित की तबीयत खराब होने के बाद उसे 3 दिन बाद यानी 18 जून को मोतिहारी सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां भी उसका मेडिकल 22 तारीख को हुआ। अभी जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके आधार पर जो बलात्कार का प्रयास, मारपीट इत्यादि का जो धाराएं हैं उनके तहत में इनके विरुद्ध में जो कार्रवाई की जा रही है कि
यह वास्तव में रेप का या मास रेप का मामला नहीं है, यह अटेम्प्ट टू रेप का मामला है। इस पूरे केस में बिहार पुलिस शुरू से ही देश के कानून को किनारे करने में जुटी दिखाई दी। न सिर्फ बिहार पुलिस बल्कि जेडीयू और आरजेडी के नेता भी पुलिस को पाक साफ बताने में जुट गए। हैरत है, पीड़ित लड़की के बयान के बावजूद पुलिस ने फौरन उसका मेडिकल नहीं कराया। मेडिकल कराने में पुलिस को 8 दिन लग गए। यही नहीं, पुलिस को मुख्य आरोपी समीउल्लाह को गिरफ्तार करने में 10वें दिन तक कामयाबी मिली। जब IBN 7 की मुहिम से देश भर का इस खबर पर ध्यान गया। आरोप है कि समीउल्लाह को स्थानीय पुलिस ने पहली बार पूछताछ करने के बाद ही छोड़ दिया था। अभी भी इस मामले में 3 आरोपी फरार हैं। हम तो पूछेंगे, क्या बिहार का निर्भया कांड नीतीश के सुशासन और बिहार पुलिस पर धब्बा है? हम तो पूछेंगे, इसके पहले कि मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करें, आपकी राय हम जरूर सुनना चाहते हैं और इसलिए आज का सवाल आपको याद दिला दें एक बार फिर। क्या बिहार का निर्भया कांड नीतीश के सुशासन और बिहार पुलिस पर धब्बा है? अगर आपका जवाब है हाँ तो HTP space Y लिखिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो HTP space N लिखिए और अपनी राय 51818 पर भेज दीजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #JusticeForBeti के जरिए दे सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं, जिसको हम लगातार इस शो में दिखाते रहेंगे। इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, कांग्रेस की प्रवक्ता नगमा, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता AK वाजपेयी और वकील मोनिका अरोड़ा हमारे साथ हैं, और मोतिहारी से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमोहन भी जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल अजय आलोक जी, आपसे जानना चाहता हूं, आज की तारीख में बिहार सरकार की ऑफिशियल पोजीशन क्या है? लड़की के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? आज की तारीख में बिहार सरकार की ऑफिशियल पोजीशन पुलिस के हिसाब से ये अटेम्प्ट टू रेप है, क्योंकि मेडिकल जांच में यह पुष्टि हो चुकी है कि उसका रेप नहीं हुआ था। मेडिकल जांच में यह भी पुष्टि हुई है लड़की को आंतरिक चोट, जिसको कि इंटरनल इंजुरी, वो नहीं है। अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट लगी हुई है, लेकिन तब भी ये जघन्य अपराध है, क्योंकि पहली दृष्टि में महिलाओं पे किसी तरह का अपराध हमारे यहाँ बिहार में, इट इज यू आर गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट, आप अपराधी हैं जब तक आप निर्दोष नहीं करा साबित होते हैं, इसलिए उनको कोई अपराधी की तरह ही उनको ट्रीट किया जा रहा है। 2-3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकियों की भी गिरफ्तारी होगी। एक मिनट, एक बात बताइए, मेरे हाथ में इस वक्त वो चिट्ठी है जो लड़की ने पुलिस को लिखकर दी थी कि मेरे साथ क्या हुआ। ये लड़की इस चिट्ठी के अंदर चीख चीख कर कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ। जस्टिस वर्मा की जो रिकमेंडेशन है, जिसके बाद वो नियम अब लागू हो चुका है, उसके अंदर बिल्कुल साफ है कि अगर पीड़िता का बयान है कि उसके साथ रेप हुआ है तो अपने आप में वो पुख्ता सबूत है। इसके बाद अटेम्प्ट टू रेप का नहीं, रेप का केस होना चाहिए। ये अटेम्प्ट टू रेप क्या है यहां पे? ऐसा है कि बिल्कुल जस्टिस वर्मा साहब का ये बयान है और उनका ये ऑर्डर है लिखित, ये मुझे भी जानकारी है। जो पुलिस अपने अनुसंधान में, अपनी जांच में, पुलिस को जितनी फाइंडिंग्स मिली है, मेडिकल रिपोर्ट्स उसको कोलैबोरेट कर रही हैं, अल्ट्रासोनोग्राम की रिपोर्ट कोलैबोरेट कर रही है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट उसको कोलैबोरेट कर रही है। कानून पास हो चुका है इसमें जो पीड़ित है, एक मिनट सुनिए आकाश जी, आकाश जी 10 सेकंड दीजिए मुझे। जो दोषी है उसका भी एक केस है कि उसके गुप्तांगों पे चोट हुई है, उसकी भी पुष्टि की जा चुकी है कि उसके गुप्तांगों पे 11 टांके लगे हुए हैं, ब्लेड से काटा गया है उसको, उसकी भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। मामले को एक पक्ष से आप देख रहे हैं, लेकिन जब पुलिस देखती है तो दोनों पक्षों से देखती है। लेकिन चूंकि पहले ये असॉल्ट की घटना युवती पे हुई है, इसीलिए हम इसको बिल्कुल एक जघन्य घटना मान के चल रहे हैं और बिहार पुलिस अपना काम कर रही है, और उसी का नतीजा है कि आज अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं, सब जेल के पीछे हैं, और पीड़िता के परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। मोनिका अरोड़ा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप वकील हैं, जो चिट्ठी यहां लड़की ने साफ लिखी है वो डिटेल में बता रही है कि उसके साथ क्या व्यवहार किया गया, और यहां वो कह रही है, खुद लिख के बिल्कुल क्लियर कह रही है कि मेरे साथ रेप किया गया, क्या इसके बाद बिहार पुलिस को अटेम्प्ट टू रेप लगाना चाहिए
या रेप का केस लगा के उसकी जांच शुरू करनी चाहिए? जो बातें अभी यहां पर कही गई हैं, आई एम नॉट ओनली सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। अगर एक लड़की कह रही है कि कुछ भी इंसर्ट हुआ है उसकी बॉडी में, तो उसमें जो नए लॉज हैं, जो जेएस वर्मा कमेटी के बाद रिकमेंडेशंस आई थी, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुआ है, जो लड़की ने बयान दिया है उसके अनुसार 376 लगना ही चाहिए, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी कि लड़की ने सच कहा है, झूठ कहा है, क्या कहा है। 376 लगना चाहिए और व्यक्ति अरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, लड़की का बयान भी पूरा नहीं लिखा जा रहा। मैं पूरी बात करती हूँ, जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो सेवंथ डे कराया जा रहा है, 9 दिन तक पुलिस उनको पकड़ती नहीं है। यानी पैसा और बाहुबल इतना जबरदस्त हावी हो गया है कि एक गरीब लड़की जो अपनी माँ के साथ रहती है, वो चीख चीख कर बोल रही कि मेरे साथ ये हुआ है, सड़क पर किया गया है, विटनेसेस है वहां पर, लेकिन यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है और सारे कानून को धता बताकर ये कह रहे हैं अटेम्प्ट टू रेप है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी शेमफुल। नगमा जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर IBN 7 ने जब तक इस मामले को उठाया नहीं और पुलिस क्या कर रही है बोला नहीं, तब तक पुलिस जाग नहीं रही थी? मीडिया के, IBN 7 के और लोगों के IBN 7 पर रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस नींद से जागी और तब जाकर ये मामला सामने आया। और इसमें भी जो बातें सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि लड़की के साथ रेप हुआ, उसके बाद सिस्टमैटिकली एक के बाद एक उसको फेल किया पूरे सिस्टम ने, उसको मदद करने के लिए लोग आगे नहीं आए। ये एक बहुत चिंता का विषय है नगमा जी। देखिए, दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निंदनीय है, और वाकई में अगर ये घटी है जिस तरह से उस लड़की ने बयान किया है, पीड़िता ने बयान किया है, तो हम उसके साथ हैं और उसे पूरा पूरा न्याय मिलना चाहिए। और नीतीश जी ने ये देखना चाहिए कि उनकी पुलिस, उनके शासन में ऐसी गलती कैसी हुई कि FIR नहीं लिखी गई, इतनी कोताही बरती गई इस चीज में। कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, इसे ठीक से जांच करनी चाहिए कि पुलिस, जो कि एक महिला के सुरक्षा के लिए, महिला को सुरक्षित रखने के लिए रखी जाती है, उसने ऐसी घोर अन्याय एक महिला के साथ क्यों की। और मैं यही नहीं, आज सुबह भी चेन्नई में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आज आपने आपके न्यूज में अभी बताया कि राजस्थान में भी ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है। तो ये जो पूरे हिंदुस्तान में महिला उत्पीड़न के, महिलाओं के खिलाफ ये जो हो रहा है, आज सुबह की भी जो घटना चेन्नई में हुई थी वो बहुत आपत्तिजनक घटना थी, बहुत खराब घटना है। और मैं यही कहना चाह रही हूं कि नीतीश जी के शासन में जहां पर औरतों को सशक्त किया जा रहा है, जहां पर उनको एक समय ऐसा था कि औरतें बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन आज ये बहुत ही बुरी घटना हुई। अजय आलोक जी, आपके पास लौटूंगा, लेकिन RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। मृत्युंजय जी, मेरे हाथ में एक और कागज है 15 जून का, जी आप बात चाहे तो बोले, इंटरडेक्ट करें। जी जी अजय जी, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अभी मोनिका जी बोल रही थी कि क्यों नहीं चार्ज लगाया जा रहा है, वो एक वकील हैं, वो जानती हैं कि जिस तरह अटेम्प्ट टू मर्डर के एक धारा होती है 307, तो अटेम्प्ट टू रेप की कोई धारा नहीं होती है, धारा उस पर रेप की ही लगी है। ये पुलिस के अनुसंधान में आया है कि ये रेप नहीं, अटेम्प्ट टू रेप है। एक मिनट, अनुसंधान की मैं सुना देता हूं आपको, जो चार्जेस प्रेस हुए हैं वो रेप के चार्जेस ही प्रेस हुए। अजय आलोक जी, जो आप बात कह रहे हैं, अब आप जो ADG कह रहे हैं वो तो सुनेंगे। मोनिका जी एक मिनट रुकिएगा, ADG क्या कह रहे हैं हम सुना सकते हैं कि ये मामला अटेम्प्ट टू रेप का होता है प्रतीत। ये अनुसंधान के बाद ADG ने, पुलिस की जांच के बाद ADG ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि ये मामला अटेम्प्ट टू रेप का लगता है। ये अनुसंधान के बाद ADG की फाइंडिंग। अजय आलोक जी, ADG ने क्या कहा है पहले वो सुन लीजिए, आप खुद सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे बहस को बढ़ाता हूँ। सुना है मैंने, जी जी मैंने सुना है, दर्शकों को भी सुना दूं, देख लीजिए। चिकित्सीय रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट से ये प्रतीत होता है कि ये अटेम्प्ट टू रेप का मामला है। जहाँ तक पीड़िता के शरीर पर या हिस्सों पर कोई गंभीर जख्म के निशान नहीं पाए गए हैं, जैसा कि डॉक्टर ने कहा है। मोनिका जी, मेरे ख्याल से एक बड़ी समस्या ये भी है कि रेप की डेफिनेशन क्या है। पूरे देश में जो गुस्सा एक उबाल उठा था निर्भया के बाद, रेप की डेफिनेशन बदली है और इसके बारे में कई लोगों को पता नहीं, शायद कुछ अधिकारियों को भी पता नहीं है।
देखिए क्रिमिनल लॉ में जो अमेंडमेंट हुई है उससे पहले रेप की डेफिनेशन थी कि अगर मेल सेक्सुअल ऑर्गन पेनिट्रेट करता है फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन में, इसके बाद रेप की डेफिनेशन चेंज की गई है, उसमें कहा गया है कि कुछ भी अगर इंसर्ट किया जाता है फीमेल की बॉडी में दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू रेप, अगर कुछ मैनिपुलेशन भी होती है फीमेल की बॉडी के साथ उसके सेक्सुअल ऑर्गन में दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू रेप। यहाँ क्लियरली लड़की क्या कह रही है, जो उसने फैक्टशीट दी है अपना बयान दिया है कि ये हुआ है, उसने आगे कहा है कि गन की नली डाली गई थी, उसने कहा है कि लकड़ी डाली गई थी, और उसके बाद भी अगर सेक्शंस लगते हैं और पुलिस कहती कि अटेम्प्ट टू रेप का मामला है, आई एम सरप्राइज्ड। आप देखिए जब पूरा फैक्ट्स देखेंगे तो जो जेएस वर्मा कमेटी ने कहा था प्रिसाइजली वो हुआ है, पुलिस ने ये कोई सेक्सुअल असॉल्ट का मामला नहीं है, ये केवल क्राइम ऑफ पैशन नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, ये एक्सप्रेशन ऑफ पावर है। मेडिकल मेडिकल अकाश जी बात और कहना चाहती हूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पैनल पे बैठ के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और एक ऑफिशियल लेवल पे एडीजी रैंक का अधिकारी जिम्मेदारी पूर्वक अपना बयान दे रहा है, उसको हम लोग रिफ्यूज कर रहे हैं। यहां पे ये बयान गलत है अजय जी, अटेम्प्ट टू रेप नाम की कोई चीज ऑफेंस रहने गई है, अटेम्प्ट टू है नहीं, अटेम्प्ट टू रेप नाम की कोई चीज ही नहीं होती, नहीं अटेम्प्ट टू रेप नहीं हो सकता, यही मैंने बोला जैसा आप खुद कह रहे हैं अजय जी, अभी पहले मैंने यही बोला है कि अटेम्प्ट टू रेप नाम पे कोई आप लोग मोनिका जी सुनिए पहले, अजय जी जो धारा प्रेस हुई है, जो धारा लगी है एफआईआर में, दैट इज फॉर द रेप ओनली, इंडियन पीनल कोड में कोई धारा अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। अजय जी लगातार लगातार पुलिस नाकाम रही है, किसमें बताता हूं, एक मिनट अनिल बलूनी जी आपके पास आ रहा हूं, अनिल बलूनी जी के पास भी मैं आना चाह रहा हूं, अंग्रेजी में अटेम्प्ट टू रेप कहते हैं। अनिल जी एक मिनट सुनिएगा, अभी अभी एडीजी जिनको डिफेंड कर रहे हैं अजय आलोक जी, उन्होंने ये भी कहा कि उनको कोई चोट नहीं है उस लड़की को, 15 जून 2016 को जो प्राथमिक उपचार केंद्र में प्राथमिक, मैंने भी कहा है कि कोई इंटरनल इंजुरी नहीं है, अभी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, निर्भया जी मैं आ रहा हूं, लोग बार बार बोल रहे हैं अजय आलोक जी, इतनी सुन लीजिए, इंटरनल सुन लीजिए, मेरे हाथ में रिपोर्ट है 15 जून 2016 की अजय जी, और यहां पर लिखा हुआ है वेजाइनल स्वेलिंग है, उसके बाद आपके पास पीएचसी की रिपोर्ट है, लड़की के बाद रही है कि उसके निजी अंगों में बंदूक डाली गई, डंडा डाला गया, ये भी कहा जा रहा है सर, आपके पास कहा कि रेप हुआ है, पीएचसी के बाद सदर अस्पताल गई थी, सदर अस्पताल की भी रिपोर्ट, अनिल जी को सुन ले, अनिल जी को सुन ले, चेक करना चाहूंगी क्योंकि पुलिस के लैप्सेस बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं जी लॉट रोप पे अनिल बलूनी जी ऑफेंस को दबा दिया जाए, इसलिए मैं कह रही हूं। अनिल जी देखिए आकाश जी, जो कानूनन जो स्थिति है वो मोनिका जी ने बताई, और पहले मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, इसको दुनिया के सामने लाए और पुलिस को और वहां की सरकार को मजबूर किया कार्रवाई करने के लिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है आकाश जी, इतना शर्मनाक है आकाश जी कि पूरी सरकार के दो दो प्रवक्ता, तीन तीन प्रवक्ता बैठे हैं और वो डिफेंड कर रहे हैं एक केस को, जो एक महिला एक लड़की कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, और ये लोग सिद्ध करना चाहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, क्या चाहते हैं, जितनी नहीं सुनिए भाई, आप सुनिए, आपको तो कुछ और, आपको शर्मसार होना चाहिए, शर्म रहना चाहिए, मैंने आपसे कुछ नहीं बोला, सरकार का मंत्री बलात्कारी बैठा हुआ है, पहले उसको हटाइए, तब बात कीजिए, मैं बता रहा हूं, विषय से भटके नहीं, प्लीज, मुझे पता है मंत्री बनाया है, मुझे आपको बोलने का राइट है आकाश जी, मुझे पता है ये आज बोलने नहीं देंगे, मुझे मालूम है ये बोलने नहीं देंगे, ये लोग हवाबाजी मत कीजिए, सुनिए हवाबाजी बताएंगे, लालू प्रसाद आएंगे बलात्कार होंगे, लालू प्रसाद, अरे लालू प्रसाद आएंगे तो ऐसा होना ही था, पुलिस के सुनिए आकाश जी स्टूडियो में बैठ करके, अभी नगमा भाई आकाश जी ऐसे डिबेट नहीं होता, जैसे मैं आपको मौका दूंगा, बिल्कुल आप ही के पास आऊंगा इसके बाद, अनिल जी को बोलने दे पहले, 11 करोड़ बिहार के साथ अभी मजाक बनाकर अभी कांग्रेस दूसरे राज्य अभी कांग्रेस अभी सुनिए आपको भी नहीं में चलता है, बिहार की बात कीजिए, बिहार की बात करने में डर लगता है, डर लगता है बिहार की बात करने में, डर लगता है तो बिहार की चर्चा करने में,
करिए गुजरात की बात, हमें पता है झारखंड की बात, हमें मालूम है। चुनौती देते हैं, ये डिबेट नहीं करने देंगे केंद्र सरकार में। हमें पता है मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा समय दूंगा। अनिल जी को एक मिनट दे पहले। अनिल जी, यही है जंगल राज, जमीन कर सकती हूँ, यही है जंगल राज। एक मिनट रुकिएगा, नहीं आकाश जी, मैं सबके बीच में बोलूंगा, अगर ऐसे होगा तो मैं सबके बीच में बोलूंगा। देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि सुशासन बाबू ने महिलाओं के लिए क्या किया, क्या अभी हम बताते हैं, सुनिए सुनिए, अभी बता रहे हैं। इनकी सरकार का एक विधायक, इनकी पार्टी का एक विधायक ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता हुआ गिरफ्तार किया जाता है, इनकी पार्टी का एक विधायक महिला के साथ बलात्कार करता है तब गिरफ्तार किया जाता है। इनका सुनिए, आज गुजरात की बात करोगे आप? अरे भैया, हम आपकी पोल खोल रहे हैं आकाश जी, देखिए हम इनकी पोल खोल रहे हैं, कितना दर्द हो रहा है, रेप किया था, पेट में दर्द हो रहा है, लालू प्रसाद के पार्टी वालों दर्द हो रहा है, जंगल राज के प्रेरणा स्रोत को अपमान करना हो रहा है सर। अभी बता रहे हैं आरजेडी का एक विधायक, इनकी इनका एक विधायक बलात्कार करके पकड़ा जाता है, इनका एक विधायक एक लड़की को लेकर भाग जाता है। अरे बलात्कार, बहुत दर्द है, बिहार की बात नहीं करोगे? लालू प्रसाद के आने के बाद जंगल राज आना था, हमने कहा था जंगल राज आएगा, हमने कहा था जंगल राज आएगा। डिबेट जंगल राज आपके कहने से नहीं होगा, आप देखिए विधानसभा के चुनाव डिबेट में भी जंगल राज ले आए, जनता ने खारिज कर दिया। लालू प्रसाद पार्टी जो मुद्दे जंगल राज पार्टी डिबेट में भी, उस मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। मृत्युंजय जी, अच्छा अनिल जी, मुझे एक मिनट दे सर। नहीं मृत्युंजय जी, नहीं नहीं आकाश जी, डिबेट नहीं होती है आकाश जी, नहीं नहीं देखिए आकाश जी, मैं 30 सेकंड और रह रहा हूं बात पूरी करने के लिए। मृत्युंजय जी, नहीं नहीं नहीं, मृत्युंजय जी रुकिएगा, एफआईआर का रिपोर्ट, एफआईआर का रिपोर्ट उसके गांव में, लड़की के गांव में जाकर जंगल राज पार्टी वालों के सामने किया। लालू प्रसाद पार्टी, रुक जाइए, आपका समय नहीं है, आपके पास 30 सेकंड अनिल जी को दीजिए, बात पूरी हो जाए। लालू प्रसाद के नाम से तो आपको देखिए, लालू प्रसाद ये लोग कैसा जंगल राज डिबेट में कर रहे हैं। मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, बात सुन ले, बात सुन ले अनिल जी, आप भी प्रोवोक ना करें, अपनी बात पूरी करें, क्योंकि ये गंभीर मसला है, इसको मैं राजनीतिक बहस में अटकाना नहीं चाहता हूं। जनता देखिए कहां रहेगी, देखिए आलोक अजय ने बोला, किसी ने बीच में नहीं बोला, सुनिए, अरे सुनिए। अच्छा मृत्युंजय जी का ऑडियो प्लीज का जो साउंड आ रहा है उसको सिर्फ एक मिनट के लिए रोक दीजिए, अनिल जी बात पूरी कीजिए, फिर मैं मृत्युंजय जी सही सवाल। धन्यवाद आकाश जी। अनिल जी देखिए, अजय आलोक ने बोला, किसी ने बीच में नहीं बोला, आरजेडी वालों ने बोला, किसी ने बीच में नहीं, मोनिका जी ने बोला, नगमा जी ने, किसी ने नहीं। जैसे ही बीजेपी का प्रवक्ता इनकी सच्चाई बताने लगता है तो इनका जंगल राज जाग जाता है। देखिए बिहार को, बिहार की सरकार को अपनी कसौटी पे कसना चाहिए, चर्चा पे बलात्कार के लिए चर्चा पे, बलात्कार के लिए चर्चा पे, रंगदारी के लिए चर्चा पे। देखिए कितना दर्द है आकाश जी, देखिए ये बोलने नहीं देंगे। जंगल राज पार्ट टू, आप संभालिए, जंगल राज पार्ट टू आपके मंत्री ने क्या बयान दिया? अरे जंगल राज पार्ट टू, आकाश जी देखिए, आप कहते रहिए, जनता मालिक है। अरे आप, अच्छा एक मिनट, मृत्युंजय मृत्युंजय को प्लीज रोकिए 30 सेकंड के लिए, वरना ऐसी बात नहीं हो सकती, सुनाई नहीं पड़ रहा अनिल जी क्या बोल रहे हैं। नहीं देखिए अनिल जी, अनिल जी बात पूरी करें, मृत्युंजय आऊंगा मैं आपके पास, पूरा समय दूंगा अनिल जी। आकाश जी मैं, देखिए आकाश जी मेरा ये कहना है कि आज आप तो सर्वे करा लीजिए, आपके चैनल सर्वे कराते रहते हैं, बिहार में सर्वे करा लीजिए, और आप भी देख रहे हैं बिहार किन कारणों से चर्चा में है, नकल के कारण चर्चा में आ रहा है बिहार, बिहार रंगदारी के कारण चर्चा में आ रहा है, बिहार अपहरण के कारण चर्चा में आ रहा है, सुशासन बाबू आत्म प्रशासन में विभोर हो रखे हैं, आत्म प्रशंसा करने में लगे हैं, लेकिन चर्चा नहीं करना चाहते। आपकी बात पूरी हमने सुनी मृत्युंजय जी, मैं आपसे एक बात सीधा सीधा पूछ रहा हूं, मैं इधर उधर नहीं घूम रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 15 जून को जब लड़की की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, पहले बात तो हमने यही कही कि अटेम्प्ट टू रेप होने का कोई मतलब नहीं था, ये रेप की जांच होनी चाहिए, जो कि सारे बिहार पुलिस के अधिकारियों को बंद करना चाहिए इसको, मामले को इधर उधर घुमाना। दूसरी, 15 जून को जब ये आ रहा है कि वेजाइनल स्वेरिंग है लड़की को, उसके बावजूद मेडिकल बोर्ड रेप को चेक करने के लिए सेटअप नहीं किया जाता है, फिर से फेल किया गया लड़की को, और ये लड़की कह रही है कि 13 जून को भी उसके साथ रेप हुआ था, 15 जून की जो है रिपोर्ट वो दूसरे रेप की है, इसके बावजूद पुलिस जांच करने के लिए तैयार नहीं थी, इसके ऊपर मैं आपसे जवाब चाहता हूं मृत्युंजय तिवारी जी। देखिए आकाश जी, आकाश जी ये जितना संवेदनशील मामला है सरकार में, रख रहे हैं
लालू प्रसाद के राज में सुशासन है, लालू प्रसाद के राज में गरीबों को न्याय मिल रहा है, लालू प्रसाद गरीबों को न्याय मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है, इसलिए आपको पेट में दर्द हो रहा है। अरे बिहार की सत्ता इनको नहीं मिली, आप भी वही कर रहे हैं जो मृत्युंजय जी कर रहे थे, आप भी दूसरे को बोलने नहीं दे रहे, ऐसा ना करें प्लीज। इनको यही भाषा समझ आती है, इनको यही भाषा समझ आती है। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, मैं आप दोनों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जंगल राज चिल्लाते हैं और 11 करोड़ बिहारियों का अपमान करते हैं। मृत्युंजय जी आप प्लीज सवाल का जवाब दें, आपकी सरकार सम्मान कर रही है, प्लीज सवाल का जवाब दें। अनिल जी प्लीज रुकिएगा, अच्छा अनिल जी को भी प्लीज 20-30 सेकंड के लिए ऑडियो डिप कीजिए। मृत्युंजय जी सीधा सवाल है, मामले सामने आए तो 15 तारीख को पुलिस ने जो FIR की रिपोर्ट दर्ज की, वो FIR थाने में नहीं दर्ज की गई, वो लड़की पीड़िता के घर के पास गांव वालों के सामने एक उनके ही किसी भाई ने लिखा, उनके रिश्तेदारों ने, इसके बाद FIR दर्ज की गई सभी लोगों के सामने, और इसके बाद वहीं पर मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल जांच भी कराई गई। और इस तरह से इस बात को तिल का तार बनाया जा रहा है, और दो दिनों से जिस तरह से एक मिनट हमारे संवाददाता चंद्रमोहन लगातार इस परिवार के साथ है। चंद्रमोहन, ये लड़की जो है, ये लड़की क्या बालिग है? चंद्रमोहन पहला सवाल, क्या लड़की बालिग है? और दूसरा, क्यों लड़की की माँ रो रो के परेशान है? किस तरह से पुलिस ने फेल किया है इस लड़की की मदद करने में? सिस्टम कैसे फेल हुआ है? चंद्रमोहन आप क्या देख रहे हैं, आप बताएं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं है, आप सिर्फ ये बताएं कि लड़की के परिवार का दर्द क्या है। चंद्रमोहन मोतिहारी में खड़े आप सरकारी अस्पताल के बाहर। बिल्कुल, देखिए लड़की बालिग है और लड़की के मां का साफ तौर पर यह आरोप है कि पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। पुलिस 15 तारीख को ले गई PHC में, लड़की का इलाज जरूर कराई, लेकिन उसी दिन उसको फिर से घर वापस कर दिया, जबकि लड़की उस हालत में नहीं थी कि वो घर जा सके। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब लड़की का हालत खराब था तो उसको किसी और अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था, इसी अस्पताल में जहां अभी मैं खड़ा हूं, लड़की जहां भर्ती थी वहां पर उसको लाना चाहिए, लेकिन पुलिस नहीं लाई। घर वालों का यह भी आरोप है कि 15 तारीख को घर वाले वहां पे जो रामगढ़वा थाना है वहां पर FIR दर्ज कराते हैं एक्यूज्ड के खिलाफ, और लड़की जब 18 तारीख को यहां पर भर्ती होने आती है, फिर से एक बार जब उसका तबियत खराब होने लगता है, उसके एक दिन बाद 19 तारीख को जो समीउल्लाह जो मेन एक्यूज है जिसको आज पुलिस गिरफ्तार की है, वो यहां पर आता है, इलाज कराता है, और उसके बाद फिर यहां से टाउन थाना में पुलिस के पास जाकर अपना रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। जो साफ तौर पर चंद्रमोहन जो बात कह रहे हैं उसका प्रूफ यहां पर है मेरे हाथ में। 19/6/2016 समीउल्लाह अपना इलाज कराने जाता है, ये इस डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है समझाएं। 13 तारीख को एक रेप हुआ, लड़की कह रही है 15 तारीख को उसके साथ फिर से रेप हुआ, समीउल्लाह अपने भाइयों के साथ रेप करने के लिए आया, उसने रेप किया, ये लड़की आरोप लगा रही है, गंभीर आरोप है, और ये जो कागज आपके सामने है सेकेंड रेप के 4 दिन बाद और पहले रेप के 6 दिन बाद जो आरोप है, जिस प्रकार से उसके बाद समीउल्लाह इलाज भी करा रहा है, पुलिस से उसे पूछताछ भी कर रही है और छोड़ भी दे रही है, चंद्रमोहन क्या गड़बड़ है यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए परिवार वालों का साफ तौर पर ही आरोप है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी है उससे पुलिस मिली हुई है, यही वजह है कि 15 तारीख को रामगढ़वा थाने में FIR होता है और उसके बाद जब यहाँ पर आता है वो इलाज कराने, तो पुलिस उससे पूछताछ नहीं करके बल्कि फरबयान दर्ज करती है कि उसके साथ क्या हुआ। जाहिर सी बात है जो अब तक जो बातें सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है। लड़की जो कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है और जो अपनी माँ के साथ रहती है, ये इसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, ये कितने अमीर या गरीब है, और जिन पर आरोप है समीउल्लाह जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, जिसको आखिरकार इतने दबाव के बाद आज जाके आखिरकार गिरफ्तार किया गया है, IBN 7 लगातार ये दिखाता रहा रिपोर्ट, उसके बाद जागी पुलिस, ये बताइए कि ये परिवार समीउल्लाह का जो लड़की कह रही है कि उसके भाइयों के साथ आया और फिर से उसने रेप किया है, ये जो आरोप लग रहा है इसके बारे में बताइए कि ये परिवार कैसा है? दोनों परिवारों को अगर आप कंपेयर करें तो क्यों पुलिस दूसरे परिवार का साथ दे रही है अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो?
बिल्कुल, देखिए जो 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 पीड़िता का परिवार है वो मामूली परिवार है और गरीब घर से आते हैं, उसके फादर जो हैं वो बाहर में रह के मजदूरी करते हैं जिससे उसका परिवार चलता है, घर में सिर्फ उसकी माँ और वो बेटी रहती है, जबकि जो दूसरा जो आरोपी परिवार है उसके घर में 5 से अधिक लोग रहते हैं और सभी उस इलाके में बाहुबली माने जाते हैं। यही वजह है कि जब लड़की को घर से निकाल कर और नंगा नाच हो रहा था सड़क पर, उस समय गाँव के किसी लोगों ने विरोध नहीं किया। साफ तौर पर गाँव के लोगों से भी मेरी बात हुई है, कुछ लोग यहाँ पर मिलने आए थे, उनका भी यही कहना था कि मेरा नाम आप मत लीजिएगा, अगर नाम लीजिएगा तो मेरे लिए परेशानी खड़ा हो सकता है, इसलिए लोग अपना नाम भी बताना नहीं चाह रहे। जो उसके साथ जो पीड़िता है उसके साथ जो सहानुभूति रखते हैं वो लोग भी यहाँ पर आए हुए थे लेकिन अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं। जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं दबंग किस्म का आदमी है और जैसा पुलिस का भी साफ तौर पर मानना है कि वो इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ इस तरह की घटना कर चुका है और पुलिस दबे जुबान से जरूर यह स्वीकार कर रही है कि ये इसमें गलती हुई है और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी यह मानना है कि पहला दिन अगर लड़की यहाँ पर आई होती, जिस दिन उसके साथ यह घटना हुई थी, तो शायद सब कुछ साफ हो गया होता और एक सप्ताह बाद जब यह मेडिकल रिपोर्ट हुआ है इससे कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है और यह साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर लड़की के साथ किस तरह की घटना हुई है और क्या हुआ था वहाँ। अनिल बलूनी जी, अब मुझे आपका कमेंट चाहिए। सारी स्थिति बिल्कुल साफ कर दिए चंद्रमोहन से, जो चंद्रमोहन ने जो लगातार कुछ दिनों से परिवार के साथ हैं, आप कैसे मदद करेंगे सड़की की? देखिए आकाश जी, मेरी बात को तो अभी जेडीयू और आरजेडी के लोग और नगमा जी खारिज कर देंगी, लेकिन जो आपके रिपोर्टर ने बोला है या जो मोनिका जी ने बोला है, दोनों ऐसे निष्पक्ष आदमी यहाँ बैठे हैं, व्यक्ति बैठे हैं जिनकी बात को आपके दर्शक भी मानेंगे। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, आखिर नीतीश कुमार इस बलात्कार के मामले को, इस कुकृत्य के मामले को क्यों नहीं मानना चाहते हैं? क्यों उनके प्रवक्ता आके कह रहे हैं कि ये बलात्कार नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं हुआ है? देखिए हो क्या रहा है बिहार के अंदर, कुछ लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। जैसा आपके प्रवक्ता ने कहा ये बाहुबली लोग हैं, ये कौन लोग हैं? मैं कह रहा हूँ इसमें एक बहुत बड़ा एंगल है, किसी धर्म विशेष के लोगों को अपीज करने की इसके पीछे खेल है। ये खेल जेडीयू के आरजेडी के लोग कर रहे हैं। नहीं, वो बाहुबली है, वो बाहुबली है, वो इनके लिए काम करते हैं मोतिहारी में, वो इनके लिए काम करते हैं, इसकी रिपोर्ट है। ये क्या काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? आप आपके प्रवक्ता आके टेलीविजन चैनलों पे, आपके प्रवक्ता टेलीविजन चैनलों पे आकर आज बात कर रहे हैं राजस्थान की, मध्य प्रदेश की। क्या जनता ने आपको इसलिए वोट दिया था? क्या आपको अन्य प्रदेशों की बातचीत करने के लिए दिया था? लेकिन बिहार की बात करने के लिए बात नहीं कर रहे आकाश जी। एक विधायक की बहन की हत्या हो जाती है और विधायक साहब को धरने पे बैठना पड़ता है कार्रवाई के लिए। ये है बिहार की हालत, ये है नीतीश कुमार का बिहार कि विधायक की बहन की हत्या हो रहा है, कार्रवाई नहीं की जाती है। देश की हालत देखिए, देश की हालत क्या है? हाँ, बिहार की चर्चा कर लो, बिहार की चर्चा के लिए बैठे हैं। देश की चर्चा के दिन देश की चर्चा करेंगे। क्या कर रहा है एक दलित छात्र? आज आप ईरान कुरान की बात करेंगे, बापू की बात कीजिए। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट दिया है, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट दिया है। जवाबदेही नीतीश कुमार की है। क्यों बलात्कार हो रहे हैं? क्यों रंगदारी मांगी जा रही है? क्यों हत्याएं हो रही हैं? आज नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा, नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा बिहार क्या हो रहा है। इसी बिहार के इसी सुशासन के नाम पर वोट लिया था नीतीश कुमार ने, बिहार में नहीं मिली इसका पीड़ा है, इसलिए आप माहौल खराब कर रहे हैं बिहार। अरे भाई आप काम करके दिखाइए ना, काम करके दिखाइए। ये बलात्कार हो रहे, नीतीश कुमार बचा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, बचा रहे हैं ये साजिश आरजेडी के कार्यकर्ता है सब, और जितने बलात्कार जो कर रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता है। मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी एक बात बताइए, जो सेकंड रिपोर्ट है, मैंने पहली मेडिकल में आ रहा हूँ आपके पास में, अजय आलोक जी जो पहली मेडिकल रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई 15 जून की, जो वेजाइनल स्वेलिंग की बात करती है, आप तो मेरे ख्याल से इस मामले को अच्छे से समझते हैं क्योंकि आपकी पढ़ाई भी उसी तरह की है। जो सेकंड मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं देर इज नो डेफिनेट ओपिनियन रिगार्डिंग रिसेंट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये भी कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है। इसके बावजूद जो नीतीश सरकार का पूरा फोर्स है, पूरी ताकत है, वो लड़की को गलत प्रूव करने में क्यों लगी हुई है कि रेप हुआ ही नहीं?
अभी से जज बनने की कोशिश क्यों हो रही है? हम ये नहीं कह रहे कि रेप हुआ या नहीं हुआ, हम नहीं कह सकते आकाश जी, लेकिन क्यों आपके सरकार का फोर्स इस बात पे लगा हुआ है कि कुछ हुआ नहीं? हम जज बिल्कुल ये कोई नहीं कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ। हुआ कैसे नहीं? एक लड़की से अगर छेड़खानी भी होती है तो वो भी बहुत बड़ा मोलेस्टेशन का चार्ज बनता है। हुआ कैसे नहीं? यहाँ पे तो उसकी हालत बता रही है। प्रथम दृष्टया में पीएचसी की रिपोर्ट देखें, उसमें वजाइनल स्वेलिंग है। पीएचसी की रिपोर्ट पे उसको मेडिकल बोर्ड में सदर अस्पताल में भेजा गया, तब उन्होंने कहा चार दिन के बाद कुछ कॉन्क्लूसिव ओपिनियन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई है, उसके बेसिस पे पुलिस कह रही है। अजय जी, इसका ये आपका गुस्सा देख के मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं है हुआ तो है, तभी आज दोषी पकड़े गए हैं और सलाखों के पीछे हैं। देखिए आज यहाँ पे हम सब बैठ के उस दोषी मीडिया ने उठाया तब पकड़े हैं। बिहार में क्या हो रहा है, जंगलराज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अजय जी, अरे सुनिए ना बलोनी साहब, इतने देर से बकबक कर रहे हैं, आपका मुंह भी नहीं थकता यार झूठ बोलते बोलते। अरे बात करो जंगलराज की, मैं उठा के देख रहा हूँ आपके एनसीआरबी का डेटा, आपके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा, तो देखता हूँ कि दिल्ली में सबसे ज्यादा बलात्कार है, मैं देखता हूँ मध्य प्रदेश में बलात्कार है, मैं देखता हूँ कि हत्याएं सबसे ज्यादा राजस्थान में, दलित पीड़ित राजस्थान में, मैं गिनवाने लगूं? मैं यहाँ राजनीति करने के लिए बैठा हूँ आपके साथ? फालतू की बात कर रहे हो आप? मैं यहाँ राजनीति नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, राजनीति आप लोग दिन से आज शुरू कर दिया आप लोगों ने। आप ये बताइए दिल्ली में, अब आकाश जी आप बताइए, दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है, 1,70,00,000 वोटर है, रोज दिन रेप की घटना हो रही है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय में काम करती है, आज तक गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट नहीं मांगा? राजनीतिकरण क्या है? लाशों पर राजनीति, एक मिनट, ये राजनीतिकरण नहीं, बलात्कार का राजनीतिकरण नहीं है तो क्या है? एक मिनट, ये केंद्र सरकार कर रही है टॉपिक पे, टॉपिक पे किसी भी राज्य से बलात्कारियों को और आपने उस स्टेटमेंट को, अजय आलोक जी एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड, राजनीतिकरण इसको कहते हैं? अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, एक बात की बात, अजय जी सुन लीजिए, अजय सुन लीजिए, क्यों इस वक्त ये टॉपिक उठा है? इनके लोकल एमपी हैं राधा मोहन सिंह, कृषि मंत्री हैं देश के, अरे अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अजय आलोक जी आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना, अजय आलोक जी आप मेरी बात का जवाब दीजिए, देखने के लिए आपने इस डिबेट में शुरुआत की थी, पीड़िता को देखने के लिए आपने बीजेपी का क्षेत्र है स्टेटमेंट दिया है, उनको नहीं पहुंचना था? अजय आलोक जी मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, आप सुनना ही नहीं चाह रहे? बलोनी साहब जवाब दे इसका, आज आलोक जी आप मेरी बात का तो सुनिए, एक बार पूछिए राधा मोहन सिंह से, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी आपने सबसे ज्यादा धैर्य से अगर कोई रुक के सबको सुन रहे हैं तो वो वाजपेयी जी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब उनको जरूर सुने, एक मिनट के लिए रुकिएगा वाजपेयी जी, प्लीज वाजपेयी जी, अजय आलोक जी सिर्फ एक बात सुनिए, तुम्हारे बैठ के रोज, अरे आप सारा वो पॉलिटिक्स उनको कह रहे थे, बालूनी जी को लग रहा है आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इतना सीरियस टॉपिक है, हिम्मत की दाद देता हूं आप लोग की, इस पे कंफाइन करिए ना अपने आप को, इसका जवाब दीजिए ना, अब बालूनी साहब बैठ के यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, अरे अब आप उनको ज्ञान क्यों दे रहे हैं, आप मेरी बात तो सुनिए, सुशासन बाबू अजय आलोक जी आप मेरी बात तो सुनिए, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको, सुनना नहीं, सारे ऑडियो बंद, मैं और मेरे पास और कोई तरीका बचा नहीं, सारे ऑडियो बंद, सिर्फ वाजपेयी जी को बोलने दे और कोई बोलेगा नहीं, अजय जी प्लीज, अजय आई रिक्वेस्ट, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि आज ये जब डिबेट आपने शुरू की तो डीजीपी की स्टेटमेंट में कहा गया अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू रेप है, तो अटेम्प्ट टू रेप नाम की तो कोई ऑफेंस रह नहीं गया है, जैसा आपने ठीक कहा कि 376 का चार्ज लगा है, लेकिन उसके बाद जब लड़की का स्टेटमेंट है तो उसके बाद पुलिस का काम यह बनता है कि 164 के बयान दर्ज कराए, और आपको जानकारी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों जजमेंट आ चुके हैं निर्भया के बाद कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूटरिक्स कन्विक्शन होती है, कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, कोई कॉरोबोरेशन की जरूरत नहीं है, तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है अजय आलोक जी कि ये सुशासन बाबू की जो बात कर रहे हो उसमें ये अटेम्प्ट टू रेप कहां से आ गया, तो इससे ये जाहिर होता है कि केस को रफा दफा करने के, और रिपोर्टर ने सिर्फ एक सेकंड रिपोर्टर ने अभी साफ कहा कि वो जो लड़की है वो गरीब परिवार से है और जो जिन्होंने जो इन्वॉल्व है अक्यूज लोग ये बाहुबली लोग हैं, तो इससे क्या जाहिर करना चाह रहे हैं, क्या जाहिर हो रहा है, कंफाइन करिए ना इस बात पे, आप अनिल जी प्लीज जवाब सुने, अनिल जी प्लीज मौका दे, अजय जी जवाब देना चाह रहे हैं, जी मैंने ही सबसे पहले बोला था कि अटेम्प्ट टू रेप नाम की आईपीसी में कोई धारा नहीं है, सही बात, पीड़िता के बयान के तहत सबसे पहले धारा लगाई गई, ये ट्रेनिंग थोड़ी सी बिहार पुलिस को, नंबर वन,
एडीजी साहब, जवाब सुन लीजिए, शांतिपूर्वक जवाब सुनिए। एडीजी साहब ने जो भी कल शाम को अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा अटेम्प्ट टू रेप, वो पुलिस के प्राइमरी अनुसंधान के बाद, जबकि मोतिहारी सदर अस्पताल की डॉक्टर की रिपोर्ट मिल गई कि कोई डेफिनेट इंजुरी के लीजन नहीं है, कोई इंटरनल इंजुरी नहीं है, कहीं से भी पियर्सिंग के इंडिकेशन नहीं मिले हैं, कोई मेजर ऑर्गन डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो इस पे एक एडीजी रैंक का अधिकारी क्या कहेगा? आप ये बताइए जरा मुझे। मैंने ही कहा आपको ये बात के अटेम्प्ट टू रेप है, ये कहीं एक मिनट, एक मिनट अजय जी, अजय जी, अजय जी, हमारे सरकार का ये क्रिस्टल क्लियर है, अजय जी एक बार के लिए आकाश बोल रहा हूं, एक बार के लिए डॉक्टर गिल्टी जो एमबीबीएस है ना अजय आलोक जी, अजय आलोक जी एक मिनट, एक मिनट अजय आलोक जी, मुझे मुझे वाजपेयी जी, मुझे अब एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे वाजपेयी जी और बलोनी जी से, मुझे जरा बताइए कि राधा मोहन सिंह जी कृषि मंत्री है, उनका क्षेत्र है मोतिहारी, वहीं से सांसद है, आज ये 15 जून से 24 जून हो गई, राधा मोहन सिंह जी पीड़िता से मिलने नहीं गए, लेकिन तो आपका नेता कौन सा चला गया है? जो आपको जिम्मेवारी दी है वो तो आप निभा रहे हैं और हमसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, कल भी पहुंचे हुए थे, नहीं नहीं ये जो क्वेश्चन है राजनीतिकरण कौन कर रहा है? नहीं नहीं राजनीति की बात नहीं कर रहे, जब हमारे प्रकाश में आया हमारी पार्टी के दो लीडर सरकार ने बिहार को नोटिस भेज दिया है, नहीं नहीं हमें डिटेल रिपोर्ट बताइए, दिल्ली में आपके नाक के नीचे रोल नहीं, नहीं, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कम टू द पॉइंट, जो बात पुलिस यहाँ सवाल है पुलिस फेलियर का, और पुलिस फेलियर क्यों हो रहा है अब ये उसकी वजह से नितेश बाबू का फेलियर है, सवाल ये है इस पे आप गुजरात की महाराष्ट्र की बिहार का परसेप्शन खराब करने के लिए, नहीं नहीं परसेप्शन कोई खराब नहीं, परसेप्शन आपकी वजह से खराब हो रहा है, आदित्य का मर्डर हुआ उसमें क्या हुआ, लालू प्रसाद ने खराब किया, हमने चुनाव कहा था लालू प्रसाद जी आप देने के पहले शर्म लिया करते टू द टॉपिक प्लीज, एक मिनट एक मिनट अजय आलोक जी, आप जेडीयू प्रवक्ता है, आप डिफेंड कर रहे हैं, वो आपकी भूमिका है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, एक आप हैट और पहनते हैं, वो आप एमबीबीएस भी हैं, अगर मेरी जानकारी सही है तो अजय आलोक जी एक बात बताइए कि अगर 15 तारीख को रेप हुआ है और 23/6/16 इतने दिन बाद जाके कोई मेडिकल रिपोर्ट लेता है जिसका आप हवाला दे रहे हैं तो कुछ मिलेगा उस समय, जब 15 तारीख को वेजाइनल स्मेलिंग निकल रही है तो उस समय पर क्यों, उस समय पर क्यों मेडिकल बोर्ड एस्टैब्लिश नहीं किया गया? जी 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 बिल्कुल आकाश जी, जो गलती है वो गलत है, 15 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, 16 को पीएचसी की रिपोर्ट है, हम प्राइमरी रिपोर्ट उसी को मान के चल रहे हैं कि वजाइनल स्वेलिंग थी उस दिन, उसके बाद 22 तारीख की रिपोर्ट है आपकी मोतिहारी सदर अस्पताल की, उस रिपोर्ट को हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आज भी सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि 16 तारीख की जो पीएचसी की रिपोर्ट है जो कहती है कि वजाइनल स्वेलिंग है सरकार उसी को मानेगी और उसी के बेसिस पे रेप चार्जेस लगाए गए हैं, तो आप मान रहे हैं कि बिहार पुलिस की नाकामियां साबित हुई अजय जी, 7 दिन के अंदर कोई भी साबित नहीं कर सकता है कि 7 दिन पहले कार्रवाई होगी, ये तो नेचुरल कॉमन सेंस है, ये डॉक्टर अजय कार्रवाई होगी, डॉक्टर अजय आर्मी आरोपित है, हमारा पहला स्टैंड क्या है, यू आर गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट, आप अपराधी हैं अपने आप को निर्दोष साबित कीजिए, ये सरकार का स्टैंड है और क्लियर है, ये याद से नहीं है 10-11 साल से ये स्टैंड है, लालू प्रसाद क्या है, ये लोग लालू प्रसाद क्या है खराब करने के लिए, इनके कहने से हो जाएगा, लालू प्रसाद तो गिल्टी सिद्ध हो जाएंगे, आरोपी से मिलता है, एक मिनट साफ हो जाएगा, चंद्रमोहन 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 10 दिन से पीड़िता पड़ी हुई है अस्पताल में, क्यों नहीं आए देखने, रिपोर्टर है आप, फैक्ट ध्यान में रखिए, हम क्या कर रहे हैं ये बताइए कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई कब जाकर शुरू की और कितने दिन बाद जाकर, जब आईबीएन 7 को यह मालूम पड़ा, आईबीएन 7 ने पूरे देश के सामने रिपोर्ट दिखाई, उसके कितने दिन बाद पुलिस ने आखिरकार एक्शन किया, जरा डेट्स के साथ शॉर्ट में 30-40 सेकंड में, चंद्रभुवन जी बिल्कुल देखिए, पुलिस ने साफ तौर पर इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है, और अगर हम शुरू से बात करें तो 15 तारीख को जब लड़की अस्पताल में वहां पर पहुंची थी तो उसका रिपोर्ट हुआ था और वहां पर लड़की का स्थिति खराब था, बावजूद इसके पुलिस उसको घर ले जाकर छोड़ के आई, और जब उसका दोबारा हालात खराब होने लगा तो फिर उसको उसी अस्पताल में ले जाया गया, जब परिवार वाले ले गए तब वहां से रेफर किया गया जब लड़की यहां पर पहुंची, और लड़की यहां पर भर्ती हुई, परिवार वाले लगातार यह कहते रहे कि का मेडिकल करा दीजिए, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे, आज सीएस ने साफ तौर पर यह कहा है और इसको लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है यहाँ के डॉक्टरों से कि अगर परिवार वाले रिक्वेस्ट कर रहे थे तो क्यों नहीं उनका मेडिकल हुआ, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर डॉक्टर सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और पुलिस जब हमारे यहाँ खबर चलने लगी उसके बाद आईबीएन 7 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची और 23 तारीख को मेडिकल हुआ,
शाम में मेडिकल होते के तुरंत बाद यह कहा गया कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, जबकि यहाँ के डॉक्टर जो है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस दिन लड़की के साथ यह घटना हुई थी उस दिन अगर लड़की पहुंचती 48 आवर्स के अंदर अगर लड़की पहुंचती तो सब कुछ साफ हो जाता, साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं पहले रेप का एलिगेशन है और आरोप जहां दूसरी बार रेप हुआ वो 15 जून को और आज जाकर आखिरकार समीउल्लाह को गिरफ्तार किया गया। ये इतने दिन जो बीते हैं तकरीबन 10 दिन से ज्यादा, तो जब आप 15 से 24 देखें तो 9 दिन गिरफ्तारी में और पहले रेप से अगर देखा जाए तो 11 दिन बाद ये आखिरकार गिरफ्तारी हुई है। और नगमा जी, जैसा कि डॉक्टर अजय आलोक साफ खुद कह रहे हैं कि पुलिस नाकाम हुई है, शुड हेड्स रोल, कैसे सिस्टम बदले, पुलिस क्यों सोती है, एक लड़की के साथ रेप हो जाता है और उसके बावजूद पुलिस हिलने को तैयार नहीं है, जब तक कि कुछ दिनों बाद मीडिया पूरे देश को वो नहीं दिखाता है। नगमा जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें पुलिस ने कहीं ना कहीं बहुत ही ढील बरती है और इसमें जांच पूरी तरह से होनी चाहिए। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि एक दुर्घटना गाजियाबाद में हुई थी, मेरठ की एक लड़की थी, उसके लिए भी भाजपा के लोगों ने आके बहुत कुछ कहा था कि उसके शरीर के कई अंग निकाले गए थे और वो सब, मैं खुद हॉस्पिटल गई थी, मैंने खुद देखा था कि उसका कोई शरीर का अंग नहीं निकला था, नहीं हुआ था, लेकिन उस बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया था और रखा गया था सामने। इसलिए जांच मैं कहती हूँ किस तरह से होनी चाहिए, हम पूरी तरह से पीड़िता के साथ है और हमारी महिलाओं का भी अपमान कर रही है, वो जो कहेगी वैसा ही होगा और हम इस केस को पूरी तरह से इस पे नजर बनाए रखेंगे और देखेंगे कि उस लड़की को पूरा न्याय मिलेगा। दोषी को सजा इस केस में किन किन स्टेजेस पर लड़की जिसका अगर आरोप सही है कि वाकई उसके साथ रेप हुआ है तो सिस्टम ने उसे फेल किया है। एक रेप उसके साथ 13 को होता है उसका आरोप है, दूसरा 15 को होता है और उसके पास उसके बाद में पुलिस उसके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है, कहां कहां फेल हुई है पुलिस प्रोसीजर्स में। आकाश जी, मैं आधा मिनट चाहूंगी, कोई डिस्टर्ब नहीं करे तो अच्छा रहेगा। ये केवल सेक्सुअल असॉल्ट की घटना नहीं है, ये एक्सप्रेशन ऑफ पावर भी है। एक्सप्रेशन ऑफ पावर कैसे है, उद्देश्य सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट का नहीं था, वो अपने भाइयों के साथ परिवार के साथ गया था, बंदूक और लकड़ी साथ लेकर गया था, बदले लेने की भावना से गया था, सबक सिखाने की भावना से गया था और इस हिम्मत से गया था कि पैसा उसके पास है, बाहुबल उसके पास है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो कानून से ऊपर है, वो पुलिस से ऊपर है। जैसे हमने पुलिस लैप्सेस में देखा, 7 दिन तक मेडिकल नहीं होता, 9 दिन तक अरेस्ट नहीं होते, लड़की का बयान दर्ज नहीं होता, लक्कड़ और गन की नली इंसर्ट की जाती है और एडीजी कहते हैं अटेम्प्ट टू रेप है, कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक चीज और कहती हूँ कि जहां भी सरकारों में, मैं केवल बिहार की बात नहीं कर रही हूं, जहां भी सरकारों में सत्ता में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर एमएलएस पर रेप चार्जेस हैं, मर्डर चार्जेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, अगर वो सत्ता में रहकर खुलेआम घूम सकते हैं तो जो आम बदमाश है सैमुल्ला जैसा, वो तो कुछ भी कर सकता है, उसको किस बात का खतरा होगा, ना पुलिस से डर है, पुलिस के पास जाके वो बयान दर्ज कराता है। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि आज कल निर्भया थी, परसों जिशा थी, आज ये बच्ची है और एक साथ ही 10 साल की बच्ची का और गैंगरेप हुआ है बिहार में, जिसकी माँ इतनी गरीब है, उन पर इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि अपना केस विड्रॉ करो वरना खत्म कर दिया जाएगा, उनको खत्म भी कर दिया गया तो यहाँ कोई नहीं है जो उनको बचाने के लिए आएगा। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगी कि जैसा ऊपर होता है वैसा ही नीचे होता है, अगर जो सत्ता में बैठे लोग हैं हम ध्यान करें जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं, अगर उनको जल्दी अरेस्ट किया जाता है, उन पर कोताही नहीं बरती जाती तो नीचे तक ये मैसेज जाता है और बिहार को अगर सुशासन की ओर जाना है ये मैसेज बहुत आवश्यक है कि हम किसी भी जो ऑफेंडर है, एक्यूज है, उसको बख्शा नहीं चाहेगा, चाहे कितना भी पैसा और सत्ता और सरकार के वो नजदीक हो। मृत्युंजय जी, कैसे यहां पर सिस्टम को बदला जाए, क्या बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? मृत्युंजय जी, बात साफ है आज। देखिए आकाश जी, पूरा देश देख रहा है इस डिबेट को, हम सीधा कल से बता रहे हैं कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी और वो गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार भी हुए,
जितनी घिनौनी ये घटना है, इस घटना से ज्यादा घिनौनी इसका राजनीतिकरण करना और इस तरह से हवा खड़ा करना। प्लीज आप राजनीति मत कीजिए। जो गरीब बच्ची के साथ जो बच्ची आरोप लगा रही है कि उसके साथ रेप हुआ है, पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये तो प्लीज साफ कर दें। बच्ची के साथ रेप हुआ है, बच्ची के साथ रेप हुआ है, आप लोग कल से चला रहे हैं और बीजेपी के लोग कह रहे हैं सामूहिक बलात्कार हुआ, घर से खींचकर लाया गया, ये किया गया। जो मेडिकल रिपोर्ट आए हैं, लड़की की चिट्ठी पड़ी है कि नहीं आपने, वो इसी तरह की बातें कह रही है। एफआईआर थाने में नहीं हुआ है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है आकाश जी, समाज वालों के साथ कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मसार करने वाला है। देखिए आकाश जी, देखिए जब हम कह रहे हैं कि आज कार्रवाई हो रही है, एक घटना के लिए आप पूरे नहीं देंगे, सरकार को कटघरे में मोनिका जी को तो बोलने दिया, रिपोर्टर को बोलने दिया, हमको नहीं बोलने देंगे, कार्रवाई हो रही है। ये बीजेपी के लोग को शर्म नहीं आती, ये बलात्कार पर लाशों पर राजनीति करती है। अच्छा ठीक है, मृत्युंजय जी मैंने आपकी बात सुनी, अब रुकिएगा, अनिल बलूनी जी को मौका दें प्लीज। अनिल जी बीजेपी के पास देखिए, और वाजपेयी जी के पास आकाश जी, एक निर्भया जिंदगी और मौत के बीच से बेचारी जूझ रही है मोतिहारी में, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके साथ अनाचार हुआ, और वो कह रही है मेरे साथ बलात्कार हुआ, मैं वो जिंदगी और मौत के पीछे जूझ रही है। और आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ये डिफेंड कर रहे हैं कि ये बलात्कार हुआ ही नहीं है, उसके साथ कुछ अनाचार हुआ ही नहीं है, पीछे से बैकडोर से उसकी मदद कर रहे हैं। पहले वाजपेयी जी 30 सेकंड, उसके बाद अरे आलोक जी, पहले वाजपेयी जी। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ये जो नीतीश जी के साथ लगा हुआ सुशासन बाबू, इस वर्ड को हटाया जाए, क्योंकि जब से ये लोग सत्ता में आए हैं तो वापस उसके बाद क्राइम रेट रोज किडनैपिंग, रेप, अपहरण, बलात्कार, मर्डर, एक सेकंड सुन लीजिए कि बढ़ता जा रहा है। और इस पर्टिकुलर केस में जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें पुलिस के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आदित्य के केस में पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। सवाल बड़ा सीरियस है। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, क्या आप IBN 7 को वादा कर सकते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबल था, जिस पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? अजय जी, बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको कि 16 तारीख को जब FIR 15 तारीख को दर्ज हुई, 13 की घटना है, और जो PHC की रिपोर्ट हुई उसके बाद संबंधित अधिकारी को कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। जहां पे भी विभागीय चूक हुई है वहां पे SP को निर्देशित किया जा चुका है। एक मिनट बलूनी जी, आप ज्ञान बोल दीजिए ना, आपको तो शर्म नहीं आती है? अनिल जी प्लीज, आपको शर्म आती नहीं, आप क्यों ज्ञान देने लगते हैं? अजय जी प्लीज इस पर लड़ाई मत कीजिए। अजय जी को बात पूरी करने दीजिए। अजय जी, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, पिछले 11 वर्षों से नीतीश कुमार को क्षमा भी मांगनी चाहिए, जो भी संबंधित डॉक्टर है अगर उनसे चूक हुई है उस पे भी कार्रवाई होगी, और हम जो बोलते हैं वो करते हैं, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। जंगल राज आया है, थोड़ा सा शर्म कीजिए। दिल्ली में बैठे हुए अशोक रोड में ना, अशोक मेरे पास समय समाप्त हो गया, लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा कि कड़ी कार्रवाई जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी। और अब जनता की राय भी देख ले, हमने सवाल सीधा पूछा था कि क्या बिहार का निर्भया कांड नीतीश के सुशासन और बिहार पुलिस पर धब्बा है, और मैं चाहूंगा कि इसे जरूर ध्यान से देखें। एक तरफा वोट है, 96% दर्शक कह रहे हैं हाँ ये सुशासन पर धब्बा है। यही सवाल ट्विटर पे जब हमने पूछा तो 89% दर्शक कह रहे हैं हाँ, सिर्फ 11% दर्शक कह रहे नहीं। ये ध्यान से बिहार सरकार को देखने की जरूरत है, और यहां पर उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है जो एक गरीब लड़की को न्याय अभी तक नहीं दे पाए हैं। वक्त अभी एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इंडिया 9 बजे, क्या मारा गया दाऊद का भाई?